क्वेश्चन फोर को आप देखिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस हमारे पास फंक्शन है एंड वो कह रहा है कि इज डिस्किन्यूस एट वन डिसकंटीन्यूट एट एक्स जीरो हमें चेक करनी है इसकी कंटिन्यूटी आप यहाँ पे समझें एक तो तरीका हो सकता है ये एम सी क्यू क्वेश्चन है ये मॉड्यूलस फंक्शन ये पॉलिनोमियल और ये आपका मॉड्यूलस यानि ये कंपोजिशन ऑफ टू मॉड्यूलस फंक्शन है और मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो दो कंटीन्यूस uh, फंक्शन का कंपोजिशन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है यहाँ से तो ये हो जाएगा अगर इसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो कैसे होगा हम जानते हैं जो मॉड्यूलस ऑफ एक्स है अगर x लेस देन जीरो है यानी अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो ये माइनस एक्स में ब्रेक होता है और इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू ये x रहता है आपका तो यहां पे जो एफ एक्स है वो क्या बन जाएगा हम अंदर वाले मॉड्यूलस को ब्रेक कर रहे हैं व्हेन x इज लेस देन जीरो तो ये माइनस एक्स में बन जाएगा आपका इसका मॉड्यूलस और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है वन माइनस एक्स और ये प्लस का एक्स रहेगा अब यहां आप ध्यान से देखें यहां पे आ गया वन माइनस टू एक्स देखिए एक्स इज लेस देन जीरो यहां आप जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू रख लो जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू रखोगे तो वन माइनस टू जैसे यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख दोगे तो ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलर साइन पॉजिटिव में ब्रेक होता है क्योंकि उसको पॉजिटिव बनाने की जरूरत ही नहीं है तो यहां पे ये प्लस साइन में ब्रेक हो जाएगा एंड दैट इज वन माइनस टू एक्स वैन एक्स इज लेस देन जीरो वैन एक्स इज लेस देन जीरो वेन एक्स इज लेस देन जीरो और x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मॉड्यूलस ऑफ वन हमारे पास वन आ जाएगा क्योंकि वन ऑलवेज पॉजिटिव होता है अब आप चेक करें वेन एक्स इज लेस देन जीरो वेन एक्स इज लेस देन जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स बींग आ पॉलिनोमियल इज कंटीन्यूस यानी x जीरो से छोटी सभी यानी सभी नेगेटिव नंबर्स पर जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल है एंड पॉलिनोमियल हमेशा ही कंटीन्यूस होता है आपका और हम x जीरो से बड़ी वैल्यूज़ की बात करें व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू वन बींग ए कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूस यानी जीरो से छोटी सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूस है जीरो से बड़ी सभी वैल्यूज पर कंटिन्यूस है तो हम जीरो पर और चेक कर लेंगे 0, क्योंकि पर नहीं है तो यहां पे एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस एल एच एल के लिए फंक्शन वन माइनस टू एक्स यहां हम पुट करेंगे एक्स को जीरो माइनस एच एच टू जीरो तो यहां पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो वन माइनस टू इन टू जीरो माइनस एच तो यहां पे आप ध्यान से देखें लिमिट h टेंड्स टू जीरो यहां वन प्लस टू एच हो गया और h की जगह जीरो रखोगे तो ये वन आ गया दैट इज वन अब हम आर एच एल निकालेंगे इसका आर तो एच एल होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव आर एच एल के लिए फंक्शन वन और यहां एक्स नहीं है तो ये वन आ गया और एफ जीरो की भी वैल्यू हमें वन दे रखी है यहां एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ जीरो है सो एफ एक्स इज कंटीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो यानी जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू जीरो पर भी कंटीन्यूस है आपका जीरो से छोटी सभी वैल्यूज़ के लिए जीरो से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए और जीरो पर भी कंटीन्यूस है मतलब हर जगह ही कंटीन्यूस है तो आप बोलेंगे दिस फंक्शन इज कंटीन्यूस एवरीवेयर आप लिख देंगे एफ एक्स इज कंटीन्यूस एवरीवेयर